आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस के खास कार्यक्रम फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। बॉलीवुड में सबसे बड़ा धमाका हुआ है जिसे आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, सबसे बड़ी बॉलीवुड की खबर यही है। हिंदी सिनेमा के लिए साल की अब तक की सबसे बड़ी खबर धर्म प्रोडक्शन से आई है। बजाय बेवजह सुर्खियों में बने रहने की कोशिश करने वाले अभिनेता कार्तिक आर्यन को इस बार बहुत भारी पड़ी है। धर्म प्रोडक्शन ने उन्हें अपकमिंग फिल्म दोस्ताना 2 से निकाल दिया है। साथ ही फैसला ये भी लिया गया है कि कार्तिक के लिए इस प्रोडक्शन हाउस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। कार्तिक आर्यन इस पूरे हफ्ते अलग अलग वजहों से सुर्खियों में रहे हैं। हर बार उनकी तरफ से उड़ी खबर अफवाह साबित हुई है, लेकिन इस बार हमला दूसरी तरफ से हुआ है। कार्तिक खेमे ने सबसे पहले खबर ही फैलाई कि उन्हें धर्म प्रोडक्शंस की शरण शर्मा के निर्देशन में बन रही अगली फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया है और इसके लिए तृप्ति डिमरी हीरोइन भी फाइनल हो गई हैं। इस खबर को लेकर सरगर्मियां बढ़ी तो करण जौहर ने खुद ट्वीट करके ऐसी किसी भी कास्टिंग का खंडन कर दिया। अगला गुबार कार्तिक की फिल्म धमाका को लेकर उठा। कार्तिक आर्यन के खेमे ने दावा किया कि टोटल 30 करोड़ में बनी एक कोरियन फिल्म की आधिकारिक हिंदी रीमेक नेटफ्लिक्स ने 135 करोड़ रुपए में खरीदी है। यह मामला भी पूरी तरह से झूठा निकला। फिल्म के अधिकार इससे काफी कम दामों में बिके हैं। पता चला कि ये सारा गुड़ा भाग कार्तिक खेमा धर्म प्रोडक्शंस पर फिल्म दोस्ताना 2 में अपनी वैल्यू बढ़ाने को लेकर बना रहा था। इस बारे में धर्म प्रोडक्शंस के सूत्र बताते हैं कि कार्तिक की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में उनकी फिल्म दोस्ताना 2 का सबसे बड़ा हाथ रहा है, लेकिन अनलॉक के बाद से वह लगातार इस फिल्म को लेकर बातें घुमाते रहे हैं। उनकी एजेंसी तमाम बार कहने के बाद भी धर्म प्रोडक्शंस को शूटिंग की तारीखें देने में आनाकानी करती रही है। पानी सिर के ऊपर जाता देख धर्म प्रोडक्शंस के प्रबंधन ने इस बारे में कई दौर की बैठकें की, वो फैसला करने का मन बना लिया जिसके बाद कार्तिक आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। कंपनी प्रबंधन ने फैसला ये भी लिया है कि अब धर्मा प्रोडक्शंस की किसी भी फिल्म में कार्तिक आर्यन को आगे से कास्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि उनके लिए धर्मा प्रोडक्शंस के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कार्तिक आर्यन की फिल्म लव आजकल जब से सुपर फ्लॉप हुई है, उनकी बॉक्स ऑफिस पर साख खतरे में ही रही है। फिल्म इंडस्ट्री में ये माना जा रहा है कि वह सोलो हीरो मटेरियल नहीं है। उनकी जो फिल्में अब तक सुपर हिट हुई हैं, उनमें भी हर फिल्म में कलाकारों की पूरी एक मंडली के साथ रहे हैं। लुका छुपी और पति पत्नी और बो में वह सोलो हीरो रहे हैं और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औसत सफल रही हैं। लव आजकल तक आते आते कार्तिक का करिश्मा ही हवा हो गया है। ये खबर जानकर कार्तिक आर्यन के पैरों के नीचे से जमीन जरूर खिसक गई होगी। फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।